मंच पर आसीन डॉक्टर आनंद जी देशपांडे, इस सत्र के संचालनकर्ता श्रीमान जितेंद्र जी नायक, यहाँ पर उपस्थित सभी आत्मीय बंधु भगिनी, विज्ञान भारती का परिचय करते समय जो बात कही गई उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा। विज्ञान भारती केवल विज्ञान को लोगों तक ले जाने वाली संस्था या संगठन नहीं है। विज्ञान भारती अपने देश में स्वदेशी विज्ञान आंदोलन इस नाते कार्यरत है। स्वदेशी विज्ञान के क्षेत्र में यानी क्या, इसका हम सभी को विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। और आज जिस बात को मैं यहाँ पर रखने का प्रयास करूँगा उससे शायद हम सभी ये समझने का प्रयास कर पाएंगे कि स्वदेशी का भाव विज्ञान के क्षेत्र में यानी क्या होता है। एक ऐसे विषय पर मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत बातें करूंगा जो सामान्यतः हम सभी को अपनी पढ़ाई के दौरान शिक्षा में प्राप्त नहीं होती। मैंने पहले कुछ सत्रों में सुना कि हम सभी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष मना रहे हैं। भारत स्वतंत्र होकर 74 वर्ष पूरे हुए और स्वतंत्र भारत के 75वें वर्ष में हम सभी ने प्रवेश किया। हम सभी को एक बड़ा सौभाग्य मिला कि हम सभी स्वतंत्र भारत में जन्म ले सके। उसका कारण यह है कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने पुरखों ने बलिदान किया, त्याग किया, समर्पण किया, अपने जीवन में कुछ खोया, उसके कारण हमें स्वतंत्र भारत में जन्म लेने का आनंद प्राप्त हुआ। तो स्वाभाविक ऐसे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में उनका स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञ रहना, ये हम सभी का कर्तव्य है। लेकिन जब स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ, विशेष रूप से अंग्रेजों के शासन के दौरान, उस संबंध में कुछ मैं बातें रखने वाला हूं। और उसी कालावधि के संबंध में जब हम कुछ बातों का विचार करते हैं तो कुछ विशेष नाम अपने मन में स्वाभाविक आते हैं। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, क्रांतिकारक में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ऐसे कई नाम। लेकिन एक बात की कमी है उसमें, वो ये है कि ऐसे नामों के कारण हमारे मन में एक बात निर्माण होती है कि ये स्वतंत्रता का आंदोलन ये एक राजनीतिक क्षेत्र का आंदोलन था, या अधिक से अधिक सामाजिक क्षेत्र में जो आंदोलन चला, संघर्ष हुआ, इस प्रकार का ये सारा आंदोलन था। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वतंत्रता का आंदोलन ये अपने देश के जीवन के हर क्षेत्र में चला और उसमें विज्ञान का क्षेत्र एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र था। उसका कारण क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्रता का आंदोलन चला, संघर्ष चला, यानी क्या, इसको समझने की आज बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि 75 वर्ष यानी 74 वर्ष की यात्रा पूरी करके 75 वर्ष में आए हैं और एक अच्छे भविष्य की ओर हम जाना चाहते हैं तो इसकी बड़ी आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। हम सब जब ये शब्द के पास आते हैं स्वतंत्रता, तब एक बात मन में रखनी चाहिए अवश्य और स्वाभाविक है भी, लेकिन फिर एक बार मैं उसको यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो संघर्ष हुआ, जिन्होंने अपने देश पर आक्रमण किया उनके विरोध में, उसका मूल कारण था कि जिन्होंने अपने देश पर आक्रमण किया उन्होंने
हम सभी का स्व यानी हम सभी की भारत इस नाते पहचान जो है उसको मिटाने का प्रयास किया। और संघर्ष इसलिए हुआ कि हम सभी अपनी पहचान को यानी स्व को अस्मिता को मिटने नहीं देना चाहते थे। और हमेशा संघर्ष इसी के लिए होता है, किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी समाज के जीवन में या देश के जीवन में उस व्यक्ति के स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचती है तब वो व्यक्ति संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ता है। यही नियम समाज और देश को भी लागू होता है। तो अपने देश में जितने सारे आक्रमण करता रहे उन्होंने अपने देश के स्व को यानी भारत की जो पहचान है उसको मिटाने का प्रयास किया। तरीके अलग अलग थे। कुछ लोगों ने अपने देश में कुछ शतकों पूर्व अपने देश के ग्रंथालयों को जलाकर भारत की अस्मिता को मिटाने का प्रयास किया। उनको लगता था कि भारत की पहचान पूरे विश्व में ज्ञान देने वाला देश है, पूरे विश्व को ज्ञान दिया है भारत ने, अगर इसको तोड़ेंगे उसको मिटाएंगे तो भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, भारत इस नाते भारत भारत नहीं रहेगा। इसलिए उनको लगा कि भारत के ग्रंथालयों को जलाना चाहिए, ऐसी कई प्रकार की बातें, मंदिरों को तोड़ना चाहिए, भारत की श्रद्धा जहां पर है ऐसे श्रद्धा स्थानों को तोड़ना चाहिए, सामान्यतः ये सारी बातें हुई। अपने देश पर आक्रमणकर्ता लगातार आते रहे और अंतिम आक्रमणकर्ता अंग्रेज थे। उन्होंने पूर्व के आक्रमकों जैसा अपने देश पर सेना लेकर हाथ में हथियार लेकर आक्रमण किया ऐसा नहीं हुआ। तो अंग्रेजों का आक्रमण उसका स्वरूप क्या था, क्या उन्होंने किया यहां पर? वैसे देखा जाए तो उन्होंने किसी ग्रंथालय को जलाया, पुस्तक को जलाया या किसी मंदिर को तोड़ा, श्रद्धा स्थान को तोड़ा ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। तो फिर किया क्या उन्होंने? उन्होंने अपने देश की जो ज्ञान परंपरा थी है उसके बारे में हमारे मन में ही प्रश्न चिन्ह निर्माण किया। अपने देश की ज्ञान परंपरा जिस भाषा में है उस भाषा को कहा कि ये तो मरी हुई भाषा है, संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, इसलिए उसको छोड़ो, आधुनिक जगत में आपको प्रवेश करना है तो संस्कृत को त्यागना पड़ेगा। उन्होंने मंदिरों को हाथ नहीं लगाया लेकिन मंदिर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के मन में उसके श्रद्धा के बारे में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि क्या आप अंधविश्वासी है, मंदिर में जा रहे हो तो यह अंधविश्वास का प्रतीक है क्या? सोच लो एक बार, मंदिर में जाते समय पहले सोचो कि क्या तुम अंधविश्वासी हो क्या? और यह सारा करने का आधार साधन था उनका विज्ञान। जो विज्ञान वो अपने देश में लेकर आए उसको लेकर उन्होंने हम सभी के मन में ऐसे प्रश्न खड़े किए जिसके कारण हम सभी अपनी जो भारत की मौलिक पहचान है उससे दूर चले गए। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, शून्य से नौ अंक भारत ने विश्व को दिए, ये तो सामान्यतः लोग जानते हैं बात, विश्व भी हमें ऐसे ही पहचानता है। कभी आपको अवसर मिले तो आप YouTube पर या कहीं पर भी, एक सुंदर BBC के द्वारा तैयार किया हुआ एक लघु चित्रपट है, शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम है स्टोरी ऑफ, वास्तविक उसका शीर्षक ऐसे होना चाहिए स्टोरी ऑफ इंडियन नंबर्स, क्योंकि उसमें जो अंकों की कथा दी है, अंक कहां से मिले पूरे विश्व को? भारत से। तो मूलतः वो भारत में निर्मित अंकों की कथा है और विश्व कहता है यह अंकों की कथा बता रहा है, यानी भारत का ही मूल रूप से उसमें वर्णन है। BBC ने इसका निर्माण किया है। वो चलचित्र प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ग्वालियर में, ग्वालियर के किले पर एक मंदिर है, उस मंदिर की दीवार पर शून्य का पहला चिन्ह मिलता है, वहां से BBC ने निर्मित ये चलचित्र शुरू होता है। यानी विश्व को यह भली भांति जानकारी है कि शून्य देने वाला विश्व में देश कौन सा है? भारत है, यानी ज्ञान का प्रतीक है।
शायद आपने ये भी सुना होगा कभी, आइंस्टाइन ने एक बार ऐसे कहा, वी ओ लॉट टू इंडियंस बिकॉज इंडियंस हैव टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच दिस ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ साइंस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। यानी आइंस्टाइन इस बात को भलीभांति जानता था कि उसके पुरखे गिनती कैसे करना जानते नहीं थे, ये बात भारत ने सिखाई उनको, इसलिए उस भारत के प्रति कृतज्ञ रहना है, ये अपने देश की पहचान है। संस्कृत के बारे में मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग संस्कृत बोल पाएंगे या बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम कितने दूर चले गए संस्कृत से, और वर्तमान विज्ञान के जगत में क्या चल रहा है। आपने शायद नोम चॉम्स्की नाम के एक बड़े विख्यात विज्ञानी का नाम सुना होगा शायद, उन्होंने भाषा के क्षेत्र में काम किया, और जैसे न्यूटन्स के नियम है गति के, उसी प्रकार के भाषा के नियम बने हैं विज्ञान के आधार पर, और उसको भी विज्ञान के आधार पर सारा देखा जा रहा है। तो ये नोम चॉम्स्की वर्तमान में विश्व में 90 साल के है, वो विश्व के सबसे अच्छे प्रख्यात वैज्ञानिक माने जाते हैं, और उनके जो गुरु जिन्होंने साइंस ऑफ लैंग्वेजेस नाम की बात शुरू की, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ऐसा उनका नाम है, तो वो जब उन्होंने भाषा का विज्ञान इसके बारे में कल्पना शुरू की, तो उनके हाथ में पाणिनि के अष्टाध्यायी आई, जो लगभग 3500 साल पहले अपने देश में पाणिनि नाम के व्यक्ति के द्वारा तैयार हुई। तो ये लियोनार्ड ब्लूमफील्ड इस अष्टाध्यायी के बारे में क्या लिख कर गए, जिन्होंने साइंस ऑफ लैंग्वेजेस आधुनिक जगत के लिए तैयार किया, वो पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में कहते हैं, इट इज अ ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। यानी मनुष्य की बुद्धिमत्ता का, प्रतिभा का अगर सर्वोत्कृष्ट प्रतीक इस विश्व में क्या है, तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी है। ऐसे भारत का ये जो चित्र है, ये अपना परिचय है, उसको अंग्रेजों ने तोड़ा, विज्ञान के आधार पर ये सारी बातें की। इसको हमें ठीक समझने की आवश्यकता है। आज का आधुनिक विज्ञान फिर एक बार इतनी सारी बातों पर आ रहा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि अंग्रेजों ने हमारे देश की जो पहचान है उसमें विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है, उसी को समाप्त करने का, मिटाने का प्रयास किया। कई प्रकार की ऐसी बातें हैं। मजेदार बात है कि आज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संकेत स्थल पर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर एक मजेदार बात आपको पढ़ने मिलेगी। आज अभी इस क्षण भी आप देख पाएंगे तो भी आपको पढ़ने मिलेगी। उसमें ऐसे कहा गया है, द ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सर्वे ऑफ इंडिया, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1767 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जिस समय भारत सरकार नाम की कुछ बात अस्तित्व में नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो संस्था स्थापन हुई सर्वेक्षण करने के लिए भारत का, उसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया, आज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। भारत सरकार आज कह रही है कि ये हमारे देश की सर्वात पुरानी इस प्रकार की विज्ञान संस्था है। 1757 में प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने जीती बंगाल में, 1760 में इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, और हम जानते हैं कि उद्योग, किसी भी उद्योग को सफल होना है तो दो बातों की आवश्यकता है, एक का प्राकृतिक संसाधन, कच्चा माल चाहिए, और दूसरा पूंजी जिसको कहते हैं, पैसा चाहिए। ये दोनों बातें इंग्लैंड में नहीं थी, और ये बातें ले जाने का सबसे बड़ा स्थान था भारत, और इसलिए 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेज लोग यहाँ राजा नहीं बने, बिहार में या बंगाल, बिहार आज का बिहार बंगाल एक साथ लाकर जो बंगाल उस समय कहा जाता था उसका दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, और उसके आधार पर उन्होंने कर वसूली, टैक्स कलेक्शन ये शुरू किया, और उसके कारण वो लगातार उनकी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ती गई, पैसा लेकर गए, सर्वेक्षण इसलिए अपने देश का शुरू किया। आप अगर देखेंगे कि आपने शायद नाम सुने होंगे, सर्वे ऑफ इंडिया जैसा है मूल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे सर्वेज। 1757 से 1857 ये पहले 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के ऐसे,
कि भारत को लूटने के लिए उन्होंने सर्वे स्थापित किए और उसके आधार पर अपने देश को लूटा। अभी अभी मैं जब आया तब यहां पर बातें चल रही थी $5 trillion की, और हम चाहते हैं कि ऐसी अपनी आर्थिक स्थिति हो अपने देश की, $5 trillion। लेकिन कई प्रकार के जो अनुसंधान के बाद अब ये जानकारी सबके सामने विश्व में आई है कि 1757 से 1947 190 वर्ष में अंग्रेजों ने अपने देश को लूटा है, उसकी कीमत अगर की जाए, उसमें बहुत सारी बातें नहीं आती, तो भी जो कीमत आई है अभी वो $45 trillion है, $45 trillion। इतना 190 साल में अंग्रेजों ने लूटा है, हमें चोरी की है, ये स्थापित सत्य है अभी अनुसंधान के बाद। और आज हम कह रहे हैं $5 trillion की इकोनॉमी हमारी होनी चाहिए, अंग्रेजों ने कितना हमें लूटा है, कितनी चोरी करके ले गए हैं, इसका हमें अंदाज नहीं है। अभी अभी 2018 में इसका अनुसंधान हुआ, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। विज्ञान के द्वारा जो बातें की उन्होंने, एक आशीष नंदी नाम के अपने देश के प्रख्यात विज्ञान के इतिहासकार है, विशेषज्ञ है, उन्होंने एक स्थान पर ऐसे लिखा, ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स दे एडमिनिस्टर्ड और एक्सरसाइज द ब्लैक मैजिक बेस्ड ऑन मॉडर्न साइंस टू इम्प्रेस द माइंड्स ऑफ नेटिव्स। देखिए, हम काली जादू कितना अंधविश्वास है कहते हैं, आशीष नंदी ने पूरा अध्ययन करके अंत में निष्कर्ष क्या निकाला, ब्रिटिश पीपल हैव एक्सरसाइज और यूज यूटिलाइज ब्लैक मैजिक and that was based on modern science to impress our minds। ये सारा उन्होंने किया है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो अपने देश की पहचान है विज्ञान, विज्ञान के कारण पूरा अपना देश विश्व को परिचित था। अपने देश में जो सब प्रकार की संपदा, साधन संपदा, पैसा, एक प्रकार का एक धनवान देश पूरे विश्व का, क्योंकि मेडिसन नाम के एक अर्थशास्त्री ने ईसा से लेकर 2000 यानी 2000 वर्षों का अर्थशास्त्रीय इतिहास का अध्ययन किया पूरे विश्व का, तो पहले 1700 वर्ष भारत का जीडीपी ये विश्व में सर्वाधिक था, पहले 1700 वर्ष, ये 300 वर्ष तो छोटे है। और एक बात, यानी भारत अपना देश 1700 यानी 1757 तक का जो अध्ययन है वो ऐसे बताता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश था, यानी अपने देश में ऐसी कई बातें बनती थी जिसके कारण, और आज जितना अध्ययन हो रहा है विशेष रूप से मटेरियल साइंस में, अपना देश इतना आगे था कि अपने देश की ऐसी कई बातें विश्व में जाती थी जिसके कारण लोग अपना जीवन चलाते थे, कई ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि अपनी इस पहचान को मिटाने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया, हमारे देश से चोरी की गई ऐसी बातों की, और उसके साथ साथ मन में भी अपने परिचय के बारे में ही प्रश्न चिन्ह निर्माण किए गए, ये सारा विज्ञान के आधार पर अंग्रेजों ने किया। और हमें बताया कि आप तो भारतीय तो सपेरों का देश है, भारतीय तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास में डूबा हुआ देश है, आपके देश में जो ज्ञान की परंपरा है वो तो माइथोलॉजी है, ऐसी सारी बातें बताई। मजेदार बात है कि अपने देश में कई विद्वान लोग हैं, वो ऐसे कहते हैं कि जिस देश में 150 साल पहले 100 साल पहले साइकिल ही नहीं थी, ऐसे लोग विमान की बातें क्यों करते हैं। लेकिन शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, विशेषकर अब्दुल कलाम जी का अगर विंग्स ऑफ फायर आपने पढ़ा है तो आपको एक घटना उसमें अब्दुल कलाम जी ने जो वर्णित की है वो परिचित होंगे आप। वो जब लंदन गए थे तो वहाँ के म्यूजियम में उन्होंने एक विभाग देखा, उसका नाम था इंडियन रॉकेट्स, और टीपू सुल्तान ने 1792 में जो लड़ाई अंग्रेजों के विरोध में जीती उसका मुख्य कारण था अग्निबाण रॉकेट्स, और उसको अंग्रेजों ने ठीक प्रकार से सुरक्षित रखा। और तब तक अंग्रेजों को या पूरे पश्चिमी जगत को पता नहीं था कि आकाश मार्ग से आकर मारने वाला कुछ शस्त्र इस दुनिया में उपलब्ध है। वैन ब्रॉन नाम के एक व्यक्ति है जिनको ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेटरी, ही हैज रिटन बुक विथ अ नेम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न रॉकेटरी, एंड फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज डेडिकेटेड टू इंडियन रॉकेट्स। हम ऐसी इन सारी बातों
जीतना चाहिए, अपने ही लोग अपने बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हैं। तो इन सारी बातों को पहले समझने की बड़ी आवश्यकता है। अंग्रेजों ने हमें बताया आप तो अंधविश्वास में डूबे हुए अज्ञानी प्रतिगामी दकियानुसी इस प्रकार के लोग हैं, और अंग्रेजों ने उनका विज्ञान जब यहां पर लाया तो स्वाभाविक अपने देश के लोग बुद्धिमान थे ही, उन्होंने भी इस प्रकार का विज्ञान सीखना शुरू किया। और उसमें डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार नाम के कोलकाता के एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनको अंग्रेजों की ये सारी बातें ध्यान में आई, एक प्रकार का षड्यंत्र ध्यान में आया, और वो स्वयं मेडिकल डॉक्टर थे तो भी उन्होंने अपने देश में विज्ञान को लेकर भारत में कुछ बातें करनी चाहिए इसके लिए एक संकल्प लिया, और उनके कारण अपने देश में पहली स्वदेशी विज्ञान संस्था प्रारंभ हुई। उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस, कोलकाता में है। 1876 में इसका प्रारंभ किया गया, और यानी 1885 में कांग्रेस का निर्माण है उसके 9 साल पहले, और स्वदेशी आंदोलन नाम की बात जो 1905 में आगे आई उसके कई वर्ष पहले अपने देश में स्वदेशी विज्ञान के लिए संस्था प्रारंभ हुई। ISES आज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, और आपको शायद ये पता होगा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला विज्ञान क्षेत्र का, अपने देश का एकमात्र नोबेल पुरस्कार, वो भी इसी संस्था में कोलकाता में उन्होंने जो काम किया उसके कारण मिला। इस संस्था के संकेत स्थल पर आप जाकर देखेंगे तो वहां 4 शब्द महत्व के हैं, वो हमने समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि ये सारी जो मैंने पृष्ठभूमि बताई वो ध्यान में आएगी। उसमें लिखा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूट और द नेचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज व्हाट, इट इज सोली नेटिव, यानी ये केवल भारतीयों के लिए निर्मित संस्था है, एंड इट इज प्योरली नेशनल, यानी ये राष्ट्रीय शुद्ध रूप से राष्ट्रीय संस्था है। एक विज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में, संस्था के बारे में उसके निर्माणकर्ता क्या करते कहते हैं, देखिए, इट इज सोली नेटिव एंड प्योरली नेशनल। उनके मन में स्पष्ट चित्र था कि भारत में विज्ञान की परंपरा अपनी है, उसको तोड़ने का प्रयास अंग्रेजों ने किया, उस राष्ट्रीय परंपरा का पुनरुज्जीवन करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने इसको मन में जब कल्पना तो सोचा कि ये शुद्ध रूप से राष्ट्रीय चरित्र की संस्था होनी चाहिए, और दूसरा सोली नेटिव क्योंकि उस समय अंग्रेज लोग भारतीयों को विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत के लोगों के लिए भारतीयों के द्वारा निर्मित इस प्रकार की विज्ञान संस्था का निर्माण करने का संकल्प किया था। वो 1868 में यह संकल्प उन्होंने किया, और लगभग 8 साल के बाद ये संस्था स्थापित हुई। और आश्चर्य की बातें हैं, अपने देश के उस समय के मूर्धन्य लोग, यानी जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने महेंद्रलाल सरकार के साथ कार्य करते हुए भारत की इस नई लेकिन स्वदेशी विज्ञान संस्था का निर्माण करने के लिए सब प्रकार का काम किया, और ये केवल भारत के लोगों के द्वारा निर्मित भारतीयों के लिए विज्ञान, जहां पर भारत का व्यक्ति कर सकता है, ऐसी संस्था निर्माण करने का कारण यही होगा कि अंग्रेजों ने इसको रोका था, भारत के लोगों को विज्ञान करने नहीं देंगे। आज भी आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, आज भी अफ्रीका के देश पिछड़े हुए ऐसा हम कहते हैं, उसका कारण है कि ये यूरोपीय देश जिन्होंने आधुनिक विज्ञान का निर्माण अपने देश में किया, उन्होंने अफ्रीका में कभी भी विज्ञान और गणित सिखाया ही नहीं। आप वहाँ के किसी भी देश में जाकर पूछिए कि आपके यहाँ कैसी स्थिति है विज्ञान और गणित की, तो ये यूरोप के देशों ने किया। अपने देश में भी यही स्थिति थी, लेकिन अपने देश के जो प्रतिभाशाली लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का ये षड्यंत्र समझ कर अपने देश में इसका प्रारंभ किया, और स्वयं के आधार पर ये सारी बातें शुरू की, क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार विज्ञान के क्षेत्र में हो रहा है ये उनको पता चला। उसका एक उदाहरण दूंगा, सत्याग्रह सुनते ही अपने मन में आता है गांधी जी का नाम, स्वाभाविक है। गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया ऐसा इतिहास बताता है,
वो वर्ष है 1917, चंपारण बिहार में नील की खेती होती थी उसके विरोध में ये सत्याग्रह किया गया। उसकी भी मजेदार बातें, सिंथेटिक इंडिगो जिसको कहते हैं, आज सारी जीन्स पैंट्स है वो इंडिगो में रहती है, विश्व का सबसे बड़ा रोमांटिक कलर कहा जाता है ये इंडिगो। इंडिगो नाम से ही पता है कि भारत का है ये, और ये सिंथेटिक इंडिगो बायर का नाम आपने सुना होगा, बायर इंडिया नाम की एक रसायन विज्ञान उद्योग अपने देश में भी है, ये जर्मन कंपनी है मूलतः। उन्होंने 1897 में सिंथेटिक इंडिगो बाजार में लाया, और उसके बाद जो यहाँ खेती की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती, बहुत बड़ा अत्याचार था अपने देश के ऊपर, बिहार को कैसे लूटा इसका एक उदाहरण यानी नील की खेती है। और नील को ले जाकर डाइज इंडस्ट्री अंग्रेजों के पास कभी थी नहीं, डाइंग की ज्ञान की बात भी अंग्रेजों के पास नहीं थी, भारत से वो डाइंग यानी वस्त्रों को रंग देने की ज्ञान की बातें और कला भारत से लेकर गए अंग्रेज लोग, तो ये बात वहां आई। और बिहार में जो नील की खेती बहुत बड़े अत्याचार के कारण अपने किसान कर रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति थी और नीचे हो गई, बिहार के अंदर कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आई, तो भी अंग्रेज कर वसूलते थे, इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया चंपारण में 1917 में। सत्याग्रह को क्या कहा जाता है, अहिंसक पद्धति से निश्चय संकल्पबद्ध होकर अत्याचार के विरोध में प्रतिकार करना, विरोध करना, निषेध करना, इसको कहा जाता है सत्याग्रह। आप ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में भी देखिए, उसमें ऐसे कहा गया है कि व्हाट इज सत्याग्रह, इट इज अ डिटरमाइंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ऐसे उन्होंने उसको परिभाषित किया है। लेकिन मैंने जब अध्ययन किया तब पता चला कि पहला सत्याग्रह तो जगदीश चंद्र बसु ने किया। जगदीश चंद्र बसु इंग्लैंड से वापिस आए BSc फिजिक्स होकर, और उस समय वो अव्वल श्रेणी में उत्तीर्ण होकर इंग्लैंड से वापिस आए थे, इंग्लैंड में पढ़े थे, तो उनके साथ इंग्लैंड के लोग भी पढ़ने वाले थे ही। वो जब यहाँ आए, उनके गुरु थे लॉर्ड रैले, जिनको 1904 का नोबेल पुरस्कार मिला है इनर्ट गैसेस का शोध करने के लिए, और वो रॉयल सोसाइटी लंदन के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को पत्र लिखा कि मेरा एक सबसे बुद्धिमान छात्र अब भारत वापिस आ रहा है और वो वहाँ फिजिक्स पढ़ाने की कल्पना कर रहा है। क्योंकि आप कल्पना कीजिए, 1884 में BSc फिजिक्स होकर एक युवक इंग्लैंड से भारत लौटता है, तो उसके लिए आजकल कहते हैं ना करियर अपॉर्चुनिटीज, क्या थी अपने देश में BSc फिजिक्स हुए व्यक्ति को, तो ये स्थिति थी अपने देश की। तो केवल एक मात्र महाविद्यालय था, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, और वहाँ पर एक संभावना थी कि फिजिक्स को पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाने वाले केवल अंग्रेज ही थे। उस समय अपने देश में शिक्षा व्यवस्था भी अंग्रेजों ने दो हिस्सों में बांटी थी, इम्पीरियल एजुकेशन सर्विस और प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस। इम्पीरियल एजुकेशन सर्विस में केवल अंग्रेज व्यक्ति पढ़ा सकता था, प्रोविंशियल में भारतीय व्यक्ति। दोनों की क्षमता, ज्ञान, कुशलता, सारी बातें एक जैसी होने पर भी प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस में जो भारतीय व्यक्ति है उसको 2/3 कम वेतन दिया जाता था, क्षमता एक ही जैसी। अभी आपको ध्यान में आएगा कि अन्याय क्या होता है। सो दिस एंटायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया वॉज सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन रेस और रेशियल थिंकिंग। और ये बातें थी। जगदीश चंद्र बसु यहाँ आए, उन्होंने आवेदन किया, लॉर्ड रिपन भी यानी उस समय का गवर्नर जनरल भारत का वो भी उनके साथ था, उसने पत्र लिखा कोलकाता में, लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने उत्तर क्या दिया जगदीश चंद्र बसु के आवेदन को कि मैं यहाँ फिजिक्स का प्राध्यापक बनना चाहता हूँ, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज का ब्रिटिश प्रिंसिपल लिखता है कि नहीं नहीं ये होने नहीं देंगे हम, और उसका कारण क्या देता है, वो कहता है इंडियंस हैव नो एप्टीट्यूड फॉर एग्जैक्ट मेथड्स ऑफ साइंस। इन सिंपल वर्ड्स, इंडियंस डू नॉट पजेस एबिलिटी टू थिंक इन रैशनल मैनर, दे डू नॉट पजेस रीजनिंग कैपेबिलिटी, सो दे कैनॉट टीच एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स। और उसने, और देखिए मजेदार बात यह ना कि भारत ने वहां आवेदन नहीं किया था, भारत के एक व्यक्ति ने आवेदन किया था, जगदीश चंद्र बसु ऐसा उसका नाम था। उत्तर क्या दिया गया, इंडियंस हैव नो एबिलिटी और नो एप्टीट्यूड फॉर एग्जैक्ट मेथड्स ऑफ साइंस, यानी एक ही उत्तर में सारे भारत को लपेट लिया गया।
भारत के लोगों को तर्कपूर्ण विचार करने की क्षमता ही नहीं है। जगदीश चंद्र बसु जहां पढ़कर आए उनके साथ पढ़ने वाले अंग्रेज छात्र भी थे, उनसे भी अच्छी श्रेणी में जगदीश चंद्र बसु उत्तीर्ण होकर आए थे, तो भी उनके बारे में विचार क्या था, वो भारतीय व्यक्ति है इसलिए नहीं देंगे। जगदीश चंद्र बसु को लॉर्ड रिपन के कारण वहां प्रवेश मिला, लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने इस अन्याय के विरोध में खड़ा होने का निश्चय किया और उन्होंने कहा कि मैं यहां पढ़ाऊंगा लेकिन वेतन एक पैसा भी नहीं लूंगा, ये मेरा अन्याय के विरोध में निषेध है, विरोध है, संघर्ष है, मैं यहां जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि लॉर्ड रिपन के कारण नौकरी तो मिली लेकिन ये अन्याय सहन नहीं करूंगा, अंग्रेजों को जितना देते उतना ही मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं अंग्रेजों से भी अच्छा अधिक हूं इस क्षेत्र में, मैंने ये साबित करके दिखाया है। जगदीश चंद्र बसु ने एक प्रकार का ये सत्याग्रह शुरू किया और उनके जो पहले जीवनी लिखने वाले व्यक्ति है वो भी अंग्रेज है, लाइफ एंड वर्क ऑफ जगदीश सर जगदीश चंद्र बसु लिखने वाले है सर पैट्रिक गिडिस, 1920 में जब जगदीश चंद्र बसु जीवंत थे उस समय उनकी जीवनी लिखी गई, कितना बड़ा सम्मान है, देखिए व्यक्ति जीवंत है और कोई विदेशी व्यक्ति उनका चरित्र या जीवनी लिख रहा है, बायोग्राफी। उसमें पैट्रिक गिडिस इस पूरी घटना के बारे में क्या लिखते हैं, जगदीश चंद्र बसु इनिशिएटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द शियर इनजस्टिस, यानी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट वॉज इनिशिएटेड बाय जगदीश चंद्र बसु व्हेन इन 1884, और ये मुझे लगता है पहला सत्याग्रह है। आप सोचिए, मैंने आपको ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया की भी परिभाषा बताई, डिटरमाइंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इज नथिंग बट अ सत्याग्रह। यू मे टेक अ कॉल एंड सी वेदर दिस वे ऑफ प्रोटेस्ट बाय जगदीश चंद्र बसु फिट्स इनटू दिस डेफिनेशन और नॉट, लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा है। 1917 के 33 वर्ष पहले जगदीश चंद्र बसु ने यह काम किया और 3 साल ये सत्याग्रह चला और 3 साल के बाद अंग्रेजों को ये जो शिक्षा क्षेत्र में जो अन्यायकारक विभाजन था उसको मिटाना पड़ा। जगदीश चंद्र बसु जीत गए, ये पद्धति बंद हो गई, इतना ही नहीं तो अंग्रेजों ने 3 साल का जो वेतन जगदीश चंद्र बसु ने नहीं लिया था वो भी पूर्वलक्षी प्रभाव से जगदीश चंद्र बसु को दे दिया। इसके बाद और एक चुनौती थी, जगदीश चंद्र बसु का बार बार ये कहना था कि अनलेस वी जनरेट नॉलेज थ्रू साइंटिफिक रिसर्च वर्क वी वोंट बी एबल टू रिगेन द स्टेटस ऑफ अवर कंट्री विच वॉज देयर इन ऑल यस्टर ईयर्स। जगदीश चंद्र बसु चाहते थे विज्ञान में अनुसंधान करके ज्ञान की निर्मिति करना और अपने देश को उस श्रेणी में फिर एक बार स्थापित करना, भारत का वो गौरव जो गया है उसको फिर वापिस लाना, ये जगदीश चंद्र बसु की कल्पना थी। 1894 में जगदीश चंद्र बसु ने अपने देश में आधुनिक विज्ञान का अनुसंधान शुरू किया। उस समय फंडिंग नहीं मिलता था, मैं विज्ञान के क्षेत्र में काम करता हूँ इसलिए मुझे पता है कि आज के अपने देश के आधुनिक जगत के विज्ञान के लोग कितने तरसते हैं और रोते हैं फंडिंग नहीं मिला। तो उस समय तो विपरीत परिस्थिति थी, अंग्रेज फंडिंग क्या अपने देश में प्रयोगशाला तक स्थापित नहीं की थी। ऐसी स्थिति में जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोगशाला स्वयं के जेब के पैसे से स्थापित की और उस समय भौतिक विज्ञान के जगत का सर्वाधिक कठिन ऐसा एक प्रश्न अनुसंधान के लिए हाथ में लिया। आज हम मोबाइल लेकर हर कोई घूम रहा है, बच्चा बच्चा भी घूम रहा है, घर में रिमोट कंट्रोल लेकर टीवी को ऑन ऑफ कर रहा है और क्या क्या बातें अलेक्सा को भी चला रहा है, लेकिन ये जो बेतार संदेश वहन है इसकी कल्पना उस समय विश्व में इतनी अनूठी थी, आश्चर्यजनक थी, चमत्कारिक थी कि इसको सोच सकते थे लेकिन प्रत्यक्ष कैसे करना, इस बात को दुनिया में करने वाले आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में पहले विज्ञान के क्षेत्र के व्यक्ति है जगदीश चंद्र बसु। विश्व का पहला डायोड भी उन्होंने बनाया, सेमीकंडक्टर ये कल्पना ही उन्होंने की और ये सब सारी बातें स्थापित है। IEEE ने 1897 में जगदीश चंद्र बसु के इस कार्य को वैश्विक स्तर पर मान लिया और कहा कि ये हमारी गलती है कि हमने इसका श्रेय मार्कोनी को दिया
और आपको शायद ये जानकारी होगी कि भौतिक विज्ञान में जब नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ या नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ तो भौतिक विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार मार्कोनी को दिया गया, और 100 साल के बाद IEEE ये मान रही है कि नहीं नहीं इसका श्रेय वास्तविक तो जगदीश चंद्र बसु को मिलना चाहिए। तो इन सारी बातों को हमें समझना चाहिए, और ये सारी बातें इसलिए की गई कि ब्रिटिशों को दिखाना है कि भारत का व्यक्ति भी विज्ञान के क्षेत्र में भी आपके जैसी क्षमता रखता है और आपसे भी अधिक रख सकता है। चंद्रशेखर वेंकटरमण के जो भतीजे हैं एस चंद्रशेखर, आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, 1983 में उनको खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। वो भारत छोड़कर गए अमेरिका में, वहाँ अनुसंधान करते हुए मिला। चंद्रशेखर लिमिट इस नाम से उनके इस विख्यात शोध कार्य को जाना जाता है। उनके जीवनी लिखने वाले व्यक्ति ने एक बार डॉक्टर एस चंद्रशेखर को प्रश्न पूछा कि क्या ये भारत में विशेष विज्ञान क्षेत्र के लोग 20वीं शती के पहले 2-3 दशकों में ही निर्माण हुए, जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्रनाथ बसु, मेघनाथ सहा, चंद्रशेखर वेंकटरमण, ऐसे कितने नाम ले सकते हैं, इस प्रकार के बाद में हमें नहीं दिखाई देते, स्वतंत्रता के 74 वर्षों में भी ऐसे लोग नहीं दिखते, ऐसे लोग दिखते हैं उसी 2 दशकों में। तो उनको प्रश्न पूछा गया, व्हाई इज इट सो दैट गोल्डन एज ऑफ इंडियन साइंस, मॉडर्न इंडियन साइंस अपीयर्ड इन द फर्स्ट 2-3 डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो उसका उत्तर एस चंद्रशेखर ने क्या दिया, देयर वॉज अ नीड फॉर नेशनल एक्सप्रेशन इवन इन द डोमेन ऑफ साइंस एंड टू शोकेस ब्रिटिश पीपल दैट इवन इन दिस डोमेन ऑफ साइंस इंडियंस आर इक्वल टू ब्रिटिश पीपल। इसको दिखाना था। सो अवर साइंटिस्ट वेर चैलेंजिंग ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, ये बात थी, इसको हमें समझना चाहिए। और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम विज्ञान के क्षेत्र में स्व यानी क्या, अपनी पहचान यानी क्या, इसको समझेंगे नहीं। सबका यही एक मानना था कि अपने देश को विज्ञान के क्षेत्र में सभी दृष्टि से आगे ले जाकर भारत की जो खोई हुई गरिमा है उसको वापिस लेना है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ पंडित मदन मोहन मालवीय के जी के द्वारा, और जगदीश चंद्र बसु वहां पर प्रमुख अतिथि करके आमंत्रित थे। तो उन्होंने बड़ा आनंद व्यक्त किया कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मालवीय जी ने भारत की जो ज्ञान की परंपरा है उसको पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया। उन्होंने ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड की नकल नहीं की, तो नालंदा, तक्षशिला ऐसी परंपरा को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया है, और इसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि अपने देश में उस समय तक तो वो स्थापित विज्ञान क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि यही एक मार्ग है कि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करते हुए ज्ञान की निर्मिति करना, जिसके कारण अपने देश को फिर एक बार वो गरिमामय स्थान प्राप्त होगा। अवर कंट्री विल बिकम इंटेलेक्चुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये 1916 की बात है। 2006 में मैं विज्ञान भारती में काम करता हूँ, इसलिए अनेक अपने देश के विज्ञान क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों का सान्निध्य मिलता है। अब्दुल कलाम जी भी विज्ञान भारती के साथ जुड़े थे, तो 2006 में पुणे के एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम में अब्दुल कलाम जी आए थे। आप सभी ने उनका दिया हुआ एक बड़ा एक विजन, जिसको कहेंगे विजन 2020, इसका डॉक्यूमेंट भी शायद आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। 1998 इस 2 वर्ष के दौरान उसकी निर्मिति हुई, और उसको अब्दुल कलाम जी अपने जीवन के अंत में सबदूर ले जाकर बताते रहे कि अरे कैसा भारत हमें करना है, भारत कैसे होना चाहिए, विकसित भारत कैसे होना चाहिए। अब इसकी परिभाषा करना बड़ा कठिन है, कैसे भारत विकसित होगा, और विकसित होने के बाद क्या कोई हमें प्रमाण पत्र देगा कि अब भारत विकसित हो गया, ऐसा नहीं है। हमें ही अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना है ताकि पूरा विश्व मान लेगा हाँ ये श्रेष्ठ लोग है। तो अब्दुल कलाम जी ने इस बात को वहां प्रस्तुत करने के लिए युवकों के सामने, दीक्षांत कार्यक्रम था विश्वविद्यालय का, तो उन्हें बड़ी सुंदर वाक्य में इसको वहां उल्लेखित किया। वाक्य सुंदर क्या था, उन्होंने कहा लेट अस ब्रिंग बैक द डेज ऑफ नालंदा, ऐसा उन्होंने कहा, और ये जब हम करेंगे तब पूरा विश्व भारत के इस श्रेष्ठ स्थान को मान लेगा, ये उनकी कल्पना थी। और ये कल्पना भी कहां से आई,
तो अपने देश में स्वतंत्रता का के लिए जो संघर्ष था उस समय विज्ञान क्षेत्र के लोगों ने जो मन में बातें रखी उसके कारण आई। प्रफुल्ल चंद्र राय ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नाम का ग्रंथ लिखा और विश्व को बताया कि आधुनिक रसायन विज्ञान का भी पूर्ण पोषण ये भारत में निर्मित रसायन विज्ञान के कारण कैसे हुआ है। उसके पहले प्रमथनाथ बोस नाम के भूगर्भ विज्ञानी थे, उन्होंने 1894 में एक बड़ा ग्रंथ 3 खंडों में लिखा, उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। और यही यात्रा आगे बढ़ती गई स्वतंत्रता के पूर्व, इस प्रकार की भारत की विज्ञान क्षेत्र की पहचान क्या है इसको बताने का बहुत सुंदर प्रयास हुआ। लेकिन इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब शायद थोड़े पीछे रह गए, हमें पता ही नहीं चला स्वतंत्रता के इस दौरान 74 वर्ष में हम कहाँ रह गए। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इन्होंने जो काम किया उसके कारण ही आज भारत की जो विज्ञान के क्षेत्र में साख है वो बनी है। 1908 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ये स्थापित हुई, उसके पीछे कौन था, स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता, जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर इन दोनों ने प्रयास किया जिसके कारण ये संस्था स्थापित हुई। आपको शायद ये पता होगा कि 1893 में जब स्वामी जी पहली बार विदेश गए उस समय जमशेदजी टाटा उनके साथ थे और दोनों का जो वार्तालाप हुआ उसमें से ये कल्पना आई और जमशेदजी टाटा ने 1898 में 23 नवंबर 1898 जमशेदजी टाटा ने विवेकानंद जी को पत्र लिखा है कि फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अवर बिलवेड मदरलैंड यू सजेस्टेड टू एस्टैब्लिश 2 institutes इन दिस कंट्री, वन फॉर नेचुरल साइंसेस एंड अनदर फॉर ह्यूमैनिस्टिक साइंसेस। ये जमशेदजी टाटा ने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के आर्काइव्स में भी ये पत्र लिखा हुआ वहाँ दिया हुआ है और वहाँ प्रत्यक्ष रखा हुआ भी है। 1902 में स्वामी विवेकानंद जी ने इहलोक को त्याग दिया, 1904 में जमशेदजी टाटा का देहांत हुआ, उसके बाद स्वामी जी की ओर से भगिनी निवेदिता ने ये दायित्व अपने कंधों पर लिया और जमशेद जी के बड़े पुत्र दोराबजी टाटा इन्होंने कमान संभाली और दोनों ने 1905 में लॉर्ड कर्जन अपने देश में आया उसके विरोध में संघर्ष करते हुए 1908 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई। और अपने देश के लोगों ने ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में जितने काम चले वो केवल इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस को ही मदद की ऐसा नहीं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी स्थापित करने के लिए अपने ही देश आगे आए, देश के लोग आगे आए, अंग्रेजों ने ये प्रयास नहीं किया। और ये सारी स्वदेशी विज्ञान करने के लिए स्थापित सारी बातें थी और उसी के आधार पर आज भारत विज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष हमने इन सारी बातों का स्मरण करना ये हमारे लिए बड़ा आवश्यक है ऐसा मैं मानता हूँ। इन सभी के मन में यही बात थी कि विज्ञान ये भारत की पहचान है, उसको मिटने नहीं देना चाहिए, उसको फिर एक बार पुनरुज्जीवित करना चाहिए और यही अपने देश के फिर एक बार उद्धार का मार्ग होगा, अपने देश के पुनरुज्जीवन का मार्ग होगा। इस संकल्प को लेकर ये सारे लोग अपने इस विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत थे। समय के अभाव के कारण मैंने कुछ ही गिने चुने नाम लिए, ऐसे कितने प्रसंग हैं जो धीरे धीरे अध्ययन करते मुझे भी पता चला, इसलिए विज्ञान भारती ने संकल्प लिया कि इस वर्ष जब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष हम मना रहे हैं तब स्वतंत्रता के इस अध्याय को जो अब तक बताया नहीं गया हम समाज के सामने लेकर जाएंगे ताकि विज्ञान के क्षेत्र में अपनी जो पहचान है उसको फिर एक बार हम समझ पाएंगे। विज्ञान केवल लोगों के पास लेना लेकर जाना इतना ही नहीं, तो विज्ञान अपने देश की पहचान है, इस बात को अपने देश के हर व्यक्ति के अंदर स्थापित करना, इस भावना के साथ उद्देश्य के साथ ये अभियान इस वर्ष चल रहा है उसमें आप भी सम्मिलित हो ऐसा अनुरोध करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। नमस्कार।